एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं शीर खुरमे की रेसिपी। और इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही कम टाइम में आसान रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी टेस्टी बन करके तैयार हो जाएगा। तो फटाफट से रेसिपी चेक कर लेते हैं इसे हमें कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने जो है ड्राई फ्रूट्स लिया है, 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू, 1/4 कप पिस्ता और 10 से 15 किशमिश लिया है, 1/4 कप भुने हुए सेवई। और जो है अब हम इसे साइड करते हैं और चेक कर लेते हैं दूध को। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो याद रखिएगा, हमें बॉईल किया हुआ ही दूध ऐड करना है इसमें। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमें शीर खुरमे की तैयारी करनी है बनाने की। तो हमने एक वेसल लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे अब घी के गलने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे घी जो है गल चुका है और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे सारे। और किशमिश आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐड करते हैं कि नहीं, और भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट बस हमने ड्राई फ्रूट को जो है मिक्स किया है, क्योंकि इसका कलर हमें नहीं चेंज करना है, बस इसको हल्का सा घी में जो है भून लेना था। इसके बाद हमने यहाँ पे सेवई ऐड कर लिया है। तो ध्यान रहे, सेवई हमको 1/4 कप ही ऐड करना है, 1 लीटर दूध में 1/4 कप सेवई एकदम सही रहेगी। तो 1 से 2 मिनट हमने सेवई को भी यहाँ पर भून लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ दूध, एकदम गरम, बिल्कुल खौलता हुआ दूध हमें यहाँ पे ऐड करना है। और अब हमें कंटिन्यूसली से इसे स्टर करके जो है मिक्स कर लेना है सेवई को। तो दूध डालते के साथ ही 5 से 6 मिनट में सेवई जो है गल जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे बॉयल जो है किया हुआ दूध ऐड कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है शीर खुरमे के लिए। तो शीर खुरमे में वैसे भी सेवई बहुत कम डाली जाती है, तो 1/4 कप इनफ है इसके लिए, 1 लीटर दूध के लिए। बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ा सा पतली ही रहती है शीर खुरमे की। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट हमने जो है सेवई को जो है दूध में मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, 8 से 10 स्टैंड हमने यहाँ पे तकरीबन ज़ाफ़रान का ऐड किया है। आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर शीर खुरमे में सिर्फ ज़ाफ़रान का ही टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमें दूध में नहीं भिगा करके हमने इसे ऐड किया है, बस ऐसे ही सिंपली डाल दिया है। तो 1 से 2 मिनट इसे हम भून लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हमने जो है यहाँ पे ज़ाफ़रान को भून लिया है। अब हम यहाँ पे चीनी ऐड कर लेंगे। तो 1/2 कप हमने चीनी लिया है, जो कि 1 लीटर दूध के लिए परफेक्ट है एकदम। अगर आप और मीठा खाते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1/2 कप जो है बिल्कुल सही जो है चीनी का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लेते हैं और 5 से 6 मिनट इसे ऐसे ही बॉयल होने देते हैं हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 से 6 मिनट बॉईल कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो है शीर खुरमा जो है बन करके रेडी है, बस इसे हमें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रखना है, उसके बाद हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो 2 से 3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर रहने देते हैं, उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करके फिर इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बन करके तैयार है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे हैं हमें। तो इस रेसिपी को आप लोग इस ईद में ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।